Hey guys, welcome back to my channel and welcome back to my new motor vlogging and new motor vlogging video. जो शुरुआत करने में हमको लग गए पूरा से पूरा 3 से 4 महीने. 3 से 4 महीने के बाद आज से शुरू हुआ है मेरा मोटो ब्लॉग. आज भी शुरू करने के टाइम पर बहुत सारे तकलीफ आ गए, जैसे कि ये जो एडाप्टर है इसके साइड पे 2 कवर देना पड़ता है क्योंकि तो ये हवा के प्रेशर से खुल के निकल जाएगा. फिर मेरा जो माइक्रोफोन था वो माइक्रोफोन में पहले जो रिकॉर्ड कर रही थी वो भी उसका साउंड भी रिकॉर्ड नहीं हो रही. मतलब तकलीफें पीछे नहीं छूटती है हमेशा, और इन तकलीफों को निकल के ही नया कुछ शुरू होता है. तो आज से शुरू हुआ मेरा नया चैनल. अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और क्या अच्छा क्या बुरा लगा कमेंट करके जरूर बताना. तो आज हम जा रहे हैं हमारे नजदीकी एक गांव पर, गांव कह सकते हैं, उसका नाम है हासखाली. हासखाली के अंदर बेनाली बोल के एक जगह है, हम वहां पे जाएंगे. हमारा काम को पहुंचना था 2:30 PM को, लेकिन अभी का टाइम हो गया है 3:05 PM हो गए, तो बहुत लेट है. हम 1 घंटे 5 मिनट लेट. देखते हैं क्या होता है लेट से. एंड आप सब भी वीडियो के साथ जुड़ के रहिए, देखिए शायद आप लोगों को भी अच्छा लगेगा. और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है आज मोटो ब्लॉगिंग का, और फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा हिंदी ब्लॉगिंग का. हिंदी में थोड़ा सा तकलीफ हो रही है क्योंकि मैं तो हर टाइम बंगाली में ही बात करता हूँ, इसलिए हिंदी में थोड़ा थोड़ा तकलीफ हो रही है. आज एक खुशी भी हो रही है क्योंकि इतने दिनों के बाद, इतना कुछ करने के बाद सही में आज से शुरू हुआ है मोटो ब्लॉगिंग. तो हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ फोन करने के लिए बोल दिए क्योंकि हमको हो गए बहुत ज्यादा लेट. शायद वो लोग है अभी, लेकिन अगर नहीं रहेंगे तो हमको जाके फिर से घूमकर आ जाना है. अगर ऐसा नहीं हो इसलिए हम जिस काम के लिए आज निकले थे वो तो अब होने वाला नहीं है. तो सोचा अगर निकली पड़े हैं तो जाके देख के आते कि वो है या नहीं है. यही छूट कह दिया हम लोगों को. रास्ते में बहुत सारा खड्डा है, ऐसे नहीं जा पाएंगे, इसलिए हम रुका दिया, गाड़ी को थोड़ा सा स्लो कर दिया है. अभी एक चीज़ का प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हम जिस रास्ते से जा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारा कीड़े मकोड़े, मतलब जो छोटे छोटे चीटे टाइप का कीड़े मकोड़े, या क्या कहते हैं बंगाली में इसको, पोका कहते हैं, तो क्या पता क्या है हिंदी में, तो नहीं पता. सामने ब्रिज है, मतलब ब्रिज का जो हालत है ना बहुत ही खराब, बहुत खराब है ब्रिज का हालत. टाइम लिया था 1 महीने का, लेकिन अभी तक वो ब्रिज ठीक नहीं हुआ है. गांव का जो रास्ता है ना बहुत, मतलब डेंजर होता है, कब कहाँ से कौन निकल जाता है ना, इसकी कोई गारंटी नहीं रहता है. हमारे मंजिल के बहुत नजदीक है. साइकिल का सवारी एक सर्ग जैसा होता है, मतलब पूरा फैमिली लेके, सामने बच्चा पीछे बीबी बैठे हुए हैं, जा रहे हैं, मतलब एक अलग सा फील आता है. तो जिस काम के लिए हम आए थे बहुत ही मुश्किल से कंप्लीट हो गया, और हम दो मिठाई खरीद के रखा है हम दोनों के लिए, डीजे नहीं खरीदा था. तो कुछ देर बाद जाके हम वो मिठाई खाएंगे और सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि ये हमारा जो काम है ये बहुत दिनों, बहुत सालों समय लग गया कंप्लीट होने में. अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी थोड़े टाइम लगेगा और 3 महीने लगेगा. फिर काम का ओरिजिनल जो है, मतलब एक हर एक काम का जो सुहाना एक फल होता है ना वो मिलेगा, शायद मिलेगा. अभी आज थोड़ा सा शांति महसूस हो रही है. अभी कुछ दिनों के अंदर ही हम जाएंगे घूमने के लिए, शायद जाएंगे. ओ भाई साहब, तीनों लोग जा रहे हैं एक स्कूटी में, तीनों लड़की जा रहे हैं, तो देख के सीखने का चीज है. और किसी के माथे में के हेलमेट भी नहीं पहना है. तो दोनों साइड खेत और खेत है अभी. ए भाई, बकरी तो आज मेरा जान ले लेगा. पहले जब आ रहे थे तब एक बकरी इधर से उधर, अभी एक बकरी. ये बकरी का ना दिमाग का कुछ ठीक नहीं है, कब क्या करता है इसको खुद भी पता नहीं है जो हम क्या भी करेंगे. चलो रोक के वो मिठाई खा लेते हैं, सेलिब्रेट कर लेते हैं, फिर निकलेंगे यहाँ से. तो चलिए एक खाते देखते हैं. बहुत ही अच्छा है, लेकिन हम इतना नहीं खाएंगे, थोड़ा सा खाएंगे. और इधर बहुत सारे बकरी है, बकरी का हम दे देंगे खाने के लिए. खाना पीना तो सब कुछ हो गया अभी, मतलब पीना नहीं हुआ, खाना हुआ सिर्फ. खाना मतलब हमने खाया है अभी जो मिठाई का थोड़ा छोटा वाला मिठाई था, तो छाना का बड़ा कहते हैं लेंगे. क्या हिंदी कह रहे हैं भाई, हमको तो मेडल मिलेगा भाई, ऑस्कर प्राइज मिलेगा, ऑस्कर मिल जाएगा हमको हिंदी के लिए. Okay.
तो गाइस अभी हम जा रहे हैं एक सुंदर शांत सी जगह पर। कुछ दिन पहले हम आए थे इस जगह पे, तो सोचा कि डीजन को आज दिखा के ले आओ, इस जगह को थोड़ा सा घुमा के लाओ, इसको उसको भी दिखाओ इस जगह कितना सुंदर है। मछली देखो इधर दोनों जो साइड पे जो देखो भाई देखो कैसा लग रहा है, जैसे देखो फिल ना समस्या ये मत मागुर मस्त मस्त है पर बहुत सारे माछ है बहुत सारे। उधर देख उधर देख इधर देख उधर देख उधर इस साइड पे भी देख, यहाँ पे ज्यादा है। हिंदी में बोल बेटा, रिकॉर्ड कर रहा है। हाँ रिकॉर्ड ऑन है। ये साइड भी देख, इधर से देख, मतलब ये जो जगह है ना ये बहुत सुंदर जगह है, सुंदर जगह। हम इधर जिस दिन आए थे उसी दिन सोच के रखा था एक दिन तुझे लेके मैं घुमा के लाऊंगा इस जगह से। देख मछली छलन लगा रहा है कुछ भी है वो लगा रहा है। हाँ यहाँ से यह बहुत ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा यह है, गिर मत जाना भैया। बॉडी कैरिंग जिम करना होगा या तो पहले खाजा पर बाद में क्या देते थे। ये खाने कितने मजबूत थे। यस इसलिए तुमको लाया, दिखाने के लिए लाया, क्योंकि उस दिन जब हम आए थे हम इस जगह देख के मेरा होश उड़ गया था। कैसा जगह है, मतलब यहाँ पे भी इतना सुंदर जगह है, देख के नहीं लगेगा एक कृष्णनगर के अंदर है ऐसा जगह है। और भी अच्छा है, उठो उठो फिर दिखाते हैं हम। ये तो आप ये जो पुकुर हमने तुम देख लिए हो, चलो अब तुमको जंगल से घुरा के ले आते हैं, जंगल घुमा के ले आते हैं। उठो उस दिन जब हम पिकनिक करने आए थे इधर, तो बहुत सारे पिकनिक इस साइड भी हो रहा था, तो कुछ लोग दारू पी के इधर मतलब समझा रहा था कि घर है, फिर उधर ही लेट गया था। और हम लोगों को जो पिकनिक है हमारे ग्रुप से आए थे, तो इधर हुआ था हमारा पिकनिक। ये जंगल देखो, ये जो पेड़ लगा हुआ है देखो, एक ही लाइन पर सब पेड़ लगा हुआ है, अंदर कितना सुंदर लग रहा है। हाँ क्योंकि हर सर्दी की मौसम पर बहुत सारा पिकनिक होता है इधर, लेकिन जगह की तरफ से एक नंबर जगह, एक नंबर जगह। अगर ये लोग सब कुछ क्लीन हो जाएगा ना तो बहुत ही एक नंबर होगा। और बाद जब पेड़ बहुत ज्यादा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा उसके बाद और भी अच्छा लगेगा। मेरे हिसाब से ये पेड़ इससे ज्यादा नहीं बड़ा होगा, नहीं होगा मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि ये जो पेड़ है ना इसको हाइब्रिड पेड़ कहते हैं, ये नॉर्मल तरीका का पेड़ नहीं है। अगर नॉर्मल पेड़ होता था तो जो नीचे से जो निकला है वो बहुत सारा ऊपर जाता था, फिर इतना बड़ा मतलब एक जो पहाड़ टाइप का जो शेप लिया है नहीं लेता था। अगर ये नॉर्मल गाछ होता था, ये हाइब्रिड गाछ है, हाइब्रिड ट्री है। लग तो रहा है गाछ का जो उम्र है 4-5 साल होगा, ज़्यादा नहीं होगा, 4-5 साल होगा। उससे भी ज़्यादा इस जगह को मुझे अच्छा लगा। कौन सा जगह? पॉड के साइड पे भी इस जगह को मुझे अच्छा लगा। हाँ इसलिए तो मैं ले आया, मैं चलो घुमा के ले आता हूँ एक जगह से। और मैं हम लोगों फिस्ट के लिए जगह ढूंढते हैं, कहाँ जाए। चार्ज भी नहीं लेता है, एक पैसा नहीं चार्ज लेता है, नहीं चार्ज लेता है, बिल्कुल मुफ्त है। चलो वहाँ से आए हम, आप यहाँ से जाए मतलब थोड़ा ऑफ रोडिंग भी हम यहाँ हो रही है, ऑफ रोडिंग मतलब ऑफ रोडिंग वाला फीलिंग है। हम अब आ गए हैं कृष्णनगर पर, अभी देखते हैं गाड़ी को धुलवाना है, तो खुला अगर होगा तो गाड़ी साफ करके ही जाएंगे। खुला है पूछ क्या हो बेटा, होगा या नहीं होगा।
आज हो जाएगा, आज हो जाएगा, अच्छा बात है, अच्छा बात है, आज हो जाएगा, आज हो जाएगा, चलो अभी बाइक धुलवाना स्टार्ट हो गया है। अभी टाइम हुआ शाम का 5:29, तो यहाँ से निकले थे टाइम शायद हो जाएगा 6:30, तब हम यहाँ से निकल के आप सबके साथ बात करते हैं। तो गाड़ी साफ करके हम निकल गए हैं, अभी जाना है घर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा सब्सक्राइब करना, वीडियो में क्या अच्छा क्या बुरा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे एक अच्छा सा व्लॉग पर।